हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिस्टन मेनिया। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कशन अबाउट द कार एमजी हेक्टर। एंड जानेंगे इस वीडियो में कि एमजी हेक्टर में क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजियाँ हमें कंपनी प्रोवाइड करती है और क्या कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द इंटरनेट इनसाइड। बिकॉज ये अकेली कार अभी तक यहाँ पर हम देख रहे हैं पहली बार जिसको हम द इंटरनेट कार से कंपनी ने लॉन्च किया है, वो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आज मैं बताना चाहूँगा कि हम डिस्कस करेंगे इसका जो टॉप वेरिएंट अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट इट इज़ ए एसयूवी कार। ओके, इट इज़ नॉट अ सुपर कार, इट इज़ ए एसयूवी कार, बट इट हैज़ ए टेक्नोलॉजी, इट हैज़ अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, सो दैट्स वाई वी आर कवरिंग इट। एंड गाइस, इफ़ यू वॉन्ट एनी ऑफ द वीडियो अबाउट एनी ऑफ द सुपर कार, सुपर बाइक एंड अ ट्रेंडिंग कार और बाइक, यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड वी विल क्रिएट अ वीडियो अबाउट इट एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। एंड इसका जो मॉडल है, मॉडल BS6 वेरिएंट हम कवर कर रहे हैं। जो टॉप वेरिएंट है वो BS6 में अवेलेबल है। एंड गाइस, द प्राइस ऑफ द कार, दैट इज़ द प्राइस ऑफ द कार इज 17.45 लाख, 17.45 लाख इसका एक्स शोरूम प्राइस है। जो पेट्रोल वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है, जो पेट्रोल वेरिएंट में अवेलेबल है। ठीक है, और इसके अंदर साथ ही साथ कितनी ये माइलेज देती है, क्या इसका इंजन है, क्या ट्रांसमिशन है, फ्यूल टाइप मैंने आपको बता ही दिया पेट्रोल है। ठीक है, तो चलते हैं इसके स्पेसिफिकेशन पे। इंजन इसका है 1451, यानी 1451 सीसी का इंजन है विद 4 सिलेंडर इनलाइन 4 सिलेंडर है एंड 4 वेल्व्स। ठीक है, एंड टर्बोचार्ज्ड इंटरकूल्ड इंजन है 1.5 लीटर का, पेट्रोल वेरिएंट अवेलेबल है और ये मैक्सिमम पावर जनरेट करती है 141 bhp एट द रेट 5000 rpm। 5000 rpm पे जो इसकी ब्रेकिंग हॉर्स पावर होती है वो होती है 141। ठीक है, और जो टॉर्क मैक्सिमम प्रोड्यूस करती है कार, वो प्रोड्यूस करती है 250 Nm एट 1600 rpm, दैट इज 1600 rpm पे। माइलेज जो कार की है समथिंग अराउंड 13 से लेके 14 के बीच में वेरी करती है, 13 से लेके 14 किलोमीटर पर लीटर वेरी करती है एज पर कंपनी। ओके, एंड अगर ट्रांसमिशन हम जाने, ट्रांसमिशन इसका ऑटोमेटिक है। ठीक है, ऑटोमेटिक है, मैनुअल ओवरराइड है या स्पोर्ट मोड अवेलेबल है। और गियर की बात करें अगर, तो गियर इसमें 6 गियर अवेलेबल हैं। एंड द वेरिएंट, डू नॉट फॉरगेट इट इज़ ए BS6 वेरिएंट। एंड टर्बो चार्जर इज अवेलेबल इन दिस कार। सपोज इन दिस कार टर्बो चार्जर इज अवेलेबल, टर्बो चार्ज्ड कार है ये। ठीक है, इस प्राइस में सस्पेंशन अगर देखें तो फ्रंट सस्पेंशन जो है मैकफर्सन के हैं, स्टर्ट विद स्टेबलाइजर बार्स। एंड सस्पेंशन जो है रियर सस्पेंशन है सेमी इंडिपेंडेंट हेलिकल स्प्रिंग। ओके, एंड टॉर्जन बीम अवेलेबल है उसके अंदर। फ्रंट टाइप की जो ब्रेक है डिस्क ब्रेक है, एंड रियर टाइप ब्रेक आर ऑल्सो डिस्क। व्हील्स अलॉयज है, एंड स्पेयर व्हील जो होता है वो स्टील में अवेलेबल होता है। अलॉय यू कैन बाय बट यू हैव टू स्पेंड मोर मनी फॉर दैट। एंड जो फ्रंट टायर है 251/60 R17 के हैं, एंड रियर टायर जो है 215/60 R17 एज इट इज सेम टायर है। अगर आप इसमें कलर्स देखना चाहें तो 5 कलर्स आपको अवेलेबल हैं, ब्लैक, बर्गंडी रेड, ग्लेज रेड, ऑरोरा सिल्वर एंड कैंडी वाइट। ओके, सो गाइस, अब तक हमने क्या जाना, कार जो है 14 किलोमीटर पर लीटर चलती है, कितने ही पैसों में आती है, ये आती है 17.45 लाख एक्स शोरूम प्राइस। ओके, एंड ऑन रोड यू कैन गेट अबाउट द डिटेल्स। एंड ट्रांसमिशन इज ऑटोमेटिक, पेट्रोल वेरिएंट है। सीटिंग कैपेसिटी अगर आप देखते हो तो नॉर्मली 5 पर्सन की सीटिंग कैपेसिटी रखती है कार। ओके, एंड कलर्स आर ऑसम, यू कैन गेट इन द फोटोज। एंड ऑन रोड प्राइस अगर आप जानना चाहते हैं सो दैट विल ऑल्सो बी गिवन इन द कमेंट सेक्शन अबाउट। ओके, सो कुछ सिटीज़ का हमने मेंशन कर दिया है, कुछ सिटीज़ का अगर आप जानना चाहते हैं डू द कमेंट डाउन एंड वी विल रिप्लाई फॉर दैट। और इसके अगर आप रिव्यूज़ चेक करते हो सो गाइज, इट इज़ द हाईली रेटेड कार। एंड यू कैन ऑल्सो गेट द फोटोज़
which are represented in the video, and these are inside, outside, both photos are available. Okay, and if you have any other doubts, you can comment down. And the master thing about this car is internet inside. So what is AI technology? क्या है AI technology? AI technology से कंपनी क्या दिखाना चाहती है? तो चलिए वो भी हम कवर करते हैं, देखते हैं AI technology से कंपनी क्या कहना चाहती है। सो भैया कंपनी क्या कहती है? कंपनी ये कहती है कि कार हैज़ अ 5G रेडी M2M सिम, M2M, इट इज़ नॉट M2M, इट इज़ M नंबर 2M, M2M सिम। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है? ठीक है, इस टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि ये आपको मोबाइल एक्सेस देता है जो आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। व्हीकल थेफ्ट ट्रैकिंग, व्हीकल थेफ्ट ट्रैकिंग मतलब आपको नोटिफिकेशन आएगा जब भी आपके साथ कोई छेड़खानी होगी ऑन द मोबाइल। ओके, जियो फेंसिंग, जियो फेंसिंग एक टेक्नोलॉजी है। आप अपने कार के मोबाइल से आप अपने कार को कंट्रोल कर सकते हो, सनरूफ, ठीक है, सनरूफ को कंट्रोल कर सकते हो, और बहुत सारी और चीज़ें, टेल गेट ओपन, वो सब आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो, इमोबिलाइजेशन, ये सब आप अपने मोबाइल से ही कनेक्ट करके कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एंड गाइस, DRLs आर ऑलरेडी अवेलेबल इन दिस कार। ऑल्सो यू हैव रनिंग इंडिकेटर्स अवेलेबल इन दिस कार, द MG Hector SUV। देर आर फॉग लैम्प्स आर ऑल्सो अवेलेबल, फॉग लैम्प्स जो हैं वो अवेलेबल हैं ऑल्सो इन कार में, साथ ही साथ MG की ब्रांडिंग भी है वहाँ पे। एंड यू हैव अ बिग ग्रिल इन द सेंटर और इन द फ्रंट, यू हैव बिग ग्रिल इज अवेलेबल, बिग लोगो, एंड यू हैव ऑल्सो फ्रंट कैमरा अवेलेबल इन दिस कार जस्ट बिहाइंड द लोगो। ओके, अवेलेबल दिस। ऑल्सो देयर इज रेन सेंसिंग, वाइपर्स आर अवेलेबल। ओके गाइज, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन, बिकॉज द बेल आइकन इज नेसेसरी। आपको बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एंड गाइज, द नेक्स्ट वीडियो विच यू वॉन्ट, प्लीज़ कमेंट डाउन, एंड वी आर गोइंग टू टेक यू योर टॉपिक्स एंड क्रिएट सम वीडियोज। सॉरी, और ही वीडियोज आएंगी, और जिस कार के बारे में आप जानना चाहते हो वो भी आएगी। एंड एक चीज़ और रिवील करना चाहता हूँ मैं, जो कार MG Hector के कॉम्पिटिशन में है, दैट इज़ द किया सेल्टॉस, उसको भी हम कवर करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। सो कीप ट्यून्ड।